दक्षिण भारत में एक किला है, 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बने इस किले के पास ही दुनिया की एकमात्र जगह थी जहां 18वीं सदी तक हीरे मिला करते थे। पूरी दुनिया में हीरे यहीं पर पाए जाते थे। इसी किले से कोहिनूर और जैकब हीरे निकले, जो दुनिया के सबसे बड़े हीरों में से एक थे। 13वीं सदी में बना यह किला सिर्फ हीरों के लिए नहीं बल्कि अपने स्थापत्य के लिए भी विख्यात है। इस किले को उस गद्दारी किले भी जाना जाता है जिसके दम पर 8 महीने की मशक्कत के बाद औरंगजेब इस किले को जीत पाया था। यह किला कोई और नहीं बल्कि गोलकुंडा का किला है। आज के इस वीडियो में हम गोलकुंडा के इस किले का पूरा इतिहास जानेंगे, कैसे इस किले ने औरंगजेब को दुनिया का सबसे अमीर सम्राट बना दिया था ये भी जानेंगे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। गोलकुंडा दो शब्दों गोल्ला और कोंडा से बना है। यह किला आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पास मौजूद है। इस किले के बनने को लेकर 13वीं सदी की एक कहानी बहुत पॉपुलर है। कहानी कहती है कि एक दिन एक चरवाहा अपने मवेशियों को चराने के लिए इस पहाड़ी पर गया। यहाँ उसे एक मूर्ति मिली। इस मूर्ति को देखकर उसने अपने राजा को खबर की। उस टाइम पर इस एरिया में काकतीय राजा गणपति देव रूल कर रहे थे। राजा को लगा ये जगह पवित्र है और भगवान से जुड़ी हो सकती है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक किला बनवाया, मिट्टी का किला। इस तरह से मिट्टी के इस किले ने गोलकुंडा फोर्ट की नींव रखी। ये इस पहाड़ी की पहली इमारत थी। इसके बाद करीब 200 सालों तक यहाँ पर गोलकुंडा का ये मिट्टी का बना किला खड़ा रहा। 13वीं सदी में इस जगह पर काकतीय रानी रुद्रमा देवी ने गद्दी संभाली, तो उन्होंने और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी प्रताप रुद्रदेव ने इस किले की मरम्मत भी करवाई। हालांकि आगे चलकर इस किले को मुसुन नूरी नायक राजाओं ने जीत लिया और इस किले पर अपना कब्जा कर लिया। आगे चलकर 14वीं सदी में जब बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई तो उन्होंने इस किले पर अपना कब्जा कर लिया। इस दौरान इस किले को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का काम किया गया। लंबे समय तक ये किला बहमनी राजाओं के पास था। साल 1487 में सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क को बहमनी राजाओं ने गोलकुंडा गवर्नर बनाकर भेजा। ये वो टाइम था जब बहमनी सल्तनत दक्षिण के राज्यों से लड़ाई लड़ते लड़ते कमजोर होती जा रही थी। इसी का फायदा उठाकर कुली कुतुब ने साल 1538 में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और कुतुबशाही राजवंश की स्थापना की। कुतुबशाही डायनेस्टी के दौरान गोलकुंडा की मानो किस्मत चमक गई। इस दौरान कुतुबशाही के 3 सुल्तानों ने मिट्टी के इस किले को करीब 5 किलोमीटर के रेडियस में एक ग्रेनाइट के किले में बदल दिया। साल 1590 तक गोलकुंडा एक शहर के रूप में बस गया था और गोलकुंडा का किला 7 किलोमीटर के रेडियस वाली एक दीवार से पूरे शहर को घेरता था। कुतुबशाही निजामों ने गोलकुंडा को एक ट्रेड सेंटर के रूप में डेवलप किया। उनकी वजह से गोलकुंडा हीरों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। उस टाइम पर दुनिया में भारत के सिवा कहीं पर भी हीरा पाया नहीं जाता था, लेकिन गोलकुंडा आखिर ट्रेड सेंटर बना कैसे? दरअसल गोलकुंडा भारत के 2 बड़े पोर्ट्स के बीच में पड़ता था, सूरत और मछलीपट्टनम, इसलिए यहाँ पर ट्रेड करना आसान था। कुतुबशाही राजाओं के काल में यहाँ पर कुछ जगहों पर मिली खदानें जहाँ से हीरे निकलते थे। ये हीरे ही इन राजाओं और निजामों की अमीरी की बड़ी वजह थे। गोलकुंडा इन निजामों के काल में हीरों के बाजार के रूप में विकसित हुआ। कुतुबशाही डायनेस्टी के दौरान ही गोलकुंडा से दुनिया के सबसे बड़े हीरे निकाले गए। इसमें से कुछ हीरे आज भी दुनिया भर में जाने जाते हैं, जैसे कि कोहिनूर जो आज अंग्रेजों के पास है। यह हीरा यहाँ के कोल्लूर खान से निकाला गया, यहाँ से निकलकर शाहजहां के पास गया और आखिरकार नादिर शाह की लूट के बाद ईरान से होते हुए पंजाब के रास्ते फिर भारत पहुंचा और महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह से होते हुए ये ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। इसके अलावा एक और हीरा यहाँ से मिला, ब्लू होप, जो कि आज अमेरिका में है। साथ ही एक सफ़ेद रीजेंट हीरा यहाँ पर मिला जो कि फ्रांस में मौजूद है। इस हीरे को ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांस को गिफ्ट किया था और दुनिया के सबसे बड़े हीरों में से एक हीरा जैकब हीरा, जिसे हैदराबाद के निजाम पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे, ये सारे हीरे यहाँ पर मिले थे। इस तरह हीरो के ट्रेड के चलते गोलकुंडा खूब अमीर हुआ। हीरों की इसी अमीरी ने 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब को भी गोलकुंडा जीतने की लालसा जगाई थी। वैसे भी औरंगजेब को दक्कन और साउथ इंडिया को जीतना था, इसीलिए साल 1687 में उसने गोलकुंडा के किले पर चढ़ाई कर दी। हालांकि ये किला इतना मजबूत था कि पूरे 8 महीने की घेराबंदी के बाद भी इस किले का बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि इसकी दीवारों पर तोप के गोलों का असर नहीं हो पाता था। ऊपर से किले के गेट पर लगी मोटी मोटी कीलों से किले के दरवाजे को भी तोड़ना आसान नहीं था। अब बिना किले को जीते दक्षिण की ओर जाना मुश्किल था। लेकिन 8 महीनों बाद भी जब औरंगजेब कामयाब नहीं हुआ तो उसने एक जुगत भिड़ाई, उसने एक चाल चली। किले के पूर्वी दरवाजे की जिम्मेदारी अब्दुल्ला खान पन्नी के पास थी। औरंगजेब ने उसे लालच देकर इस गेट को खुलवा लिया, क्योंकि दरवाजा खुला तो मुगल सेना अंदर घुस गई और निजाम को बुरी तरह से हराकर औरंगजेब ने किले पर कब्जा कर लिया।
इसके बाद जिस गेट से औरंगजेब इस किले के अंदर घुसा था उसका नाम उसने रख दिया फतेह दरवाजा, फतेह यानी कि जीत। इस तरह गद्दार की गद्दारी के चलते औरंगजेब इस किले को जीत गया और उसके जीतते ही कुल्लूर की खदानों का वो मालिक बन गया। इस खदान से ही हीरे निकलते थे। इन हीरों के दम पर औरंगजेब दुनिया के सबसे अमीर सम्राटों में से एक गिना जाने लगा। औरंगजेब के काल में ही यह किला पूरी तरह से बर्बाद भी हो गया क्योंकि उसके हमले से किले को बहुत नुकसान पहुंचा। फिर आगे चलकर उसके बाद ये किला खंडहर में बदल गया। हालांकि आज इस किले को गोलकुंडा के सबसे बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक माना जाता है और इसके पीछे की वजह है इसका आर्किटेक्चर जो इसे बेहद खास बनाता है। करीब 400 फीट की ऊंचाई पर बना यह किला करीब 8 किलोमीटर के रेडियस में बना हुआ है। किले की सिक्योरिटी के लिए करीब 87 बुर्ज हैं जिससे दुश्मनों को आसानी से देखा जा सकता था, उन पर नजर रखी जा सकती थी। इनमें से कई बुर्ज ऐसे भी थे जो 50 फीट से भी ऊंचे थे। इन्हीं बुर्ज में से एक बुर्ज है फतेह रायबीर बुर्ज, जहां पर एक 16 फीट लंबी तोप रखी हुई है। यह तोप औरंगजेब के गोलकुंडा पर फतेह की निशानी के तौर पर देखी जाती है। किले में जाने के लिए कुल 8 दरवाजे हैं। ये दरवाजे इतने मजबूत थे कि औरंगजेब को 8 महीने लगे थे इन्हें तोड़ने में और आखिर में भीतरघात की वजह से ही वो जीतने में कामयाब हो पाया। अगर आप किले के अंदर देखोगे तो आपको एक ग्राउंड परेड, एक महल, एक मस्जिद और दूसरे कई मॉन्यूमेंट मिलते हैं जो इस किले को खास बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बड़े बड़े स्टोरेज हॉल थे जहाँ महीनों का राशन जमा रखा जाता था। इसी तरह यहाँ पर एक कटोरा हौज है जिसमें पानी जमा किया जाता था ताकि पानी की कमी महसूस ना हो महीनों तक। गोलकुंडा की सबसे मेन बिल्डिंग है बाला हिसार बारादरी। ये एक तरह का दरबार हुआ करता था और यहाँ पहुँचने के लिए 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी होती थी। किले के ऊपर हैदराबाद और सिकंदराबाद को आसानी से देखा जा सकता था। किले के अंदर कभी कई महल हुआ करते थे लेकिन टाइम के साथ ये सारे महल खंडहर हो गए हैं। सिर्फ यहाँ पर रानी का महल है जो अभी भी बचा हुआ है, बाकी सारे महल ध्वस्त हो चुके हैं। कभी हीरे की खदानों के लिए जाना जाने वाला गोलकुंडा फोर्ट आज़ादी के टाइम पर हैदराबाद के निज़ाम उस्मान अली के पास था। फिर हैदराबाद रियासत के विलय के बाद ये किला भारत सरकार की देखरेख में आ गया। आज के टाइम पर यह भारत के सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी गोलकुंडा के किले की और उस गद्दारी की जिसके दम पर औरंगजेब दुनिया का सबसे अमीर सम्राट बना था। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।